पूर्वांचल क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन किया गया है, जो परामर्शी संस्था के रूप में अपनी संस्तुति देगा। पूर्वांचल विकास बोर्ड में अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री हैं। इसके अतिरिक्त 2 उपाध्यक्ष, 11 गैर सरकारी सदस्य, 2 विशेषज्ञ तथा 19 सरकारी सदस्यों को सम्मानित करते हुए उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या को सदस्य सचिव नामित किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक आहूत की गई, जिसमें पूर्वांचल क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के अवरोधक तत्वों, कारणों का अभिज्ञान एवं उनके निराकरण के उपाय एवं सुझाव पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के दीर्घकालीन, मध्यकालीन एवं अल्पावधि की प्राथमिकताएं तय करना तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास की समग्र कार्य योजना बनाने तथा कार्य योजना के अनुरूप विभागीय योजनाओं से समकन अंतर विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने के संबंध में बोर्ड के द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में जीवन स्तर में सुधार हेतु कार्यक्रमों, पूर्वांचल क्षेत्र में शिक्षा एवं चिकित्सा की गुणवत्ता में सुधार हेतु योजनाओं को लागू कराने, निवेशकों को आकर्षित करने हेतु उपायों को अभिज्ञानित करने, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सहयोग लेना तथा उससे संसाधनों को प्राप्त करने हेतु सुझाव देने, निजी क्षेत्र का विकास कार्यों में सकारात्मक सहयोग लेने, रोजगार के नवीन अवसर सृजित करने हेतु उपायों पर कार्यवाही करने, बाढ़ प्रबंध के लिए ठोस उपाय, पूर्वांचल विकास निधि के कार्यों का अनुश्रवण की चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार KV राजू, अपर मुख्य सचिव नियोजन विभाग, सांसद राज्यसभा जयप्रकाश निषाद, पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्यगण, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर सहित विभिन्न अधिकारीगण उपस्थित रहे।